बिंदी को याद करना कोई योग होता है? किसके साथ योग किया है? बिंदी बिंदी कौन सी बिंदी? बिंदी का तो पता नहीं चलता, फिर पता नहीं चलता, फिर योग कहां हुआ? किस आत्मा के साथ लगन हुई? लगाव कहां सूचित हो रहा है? सब घोसला है। अब वो ये लेटर जब उसमें वेबसाइट पे डाल दिया गया तो विदेशी तो पहचान गए कि भी एक तरफ से तो ये कहते हैं एक बाप, दूसरा ना कोई, दूसरी तरफ कहते हैं कि भी इस दादी के लिए योग करो, उस दादी के लिए योग करो। फिर तो फिर जो है वो एक बाप दूसरा ना कोई कैसे हो जाएगा? फिर तो वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो ये आप पता चला विदेशियों को? पहले तो भक्ति मार्ग की तरह फॉलो कर रहे थे ना उनको। अब नहीं, ये एडवांस नॉलेज सन 76 से निकली हुई है, तब से पता नहीं चला? तब उन तक पहुंचा नहीं था ना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऐसे भगवान की बात नहीं मानते जो मुरलियों से ही साबित हो रही है। पहले तो इन्होंने सारा छुपा के रखा था ना एडवांस किया ना, अब तो इंटरनेट के द्वारा सब जगह फैल रहा है, तो अब उनको पता चल रहा है कि भी जो बीके वाले कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग है और जो एडवांस में हो रहा है वो ज्ञान मार्ग है। और एक और उसमें बीके इन्फो पर ये समाचार सुनने को मिला है कि अमेरिका के ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जो है US पेटेंट ऑफिस में ब्रह्मा कुमारी शब्द के लिए जो है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है। अच्छा, जैसे अमेरिका में? हाँ जी, ताकि अमेरिका में कोई दूसरा ब्रह्मा कुमार कुमारी अपना संस्था जमा की न बैठ जाए। नहीं, इस शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं कर सकता आगे से, अगर उनको ये उनकी ये मंजूर हो जाती है एप्लीकेशन तो आगे से कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो वो जो पेटेंट कार्यालय वाले हैं उन्होंने पूछा कि भाई ये आपको अधिकार किसने दिया, तो उन्होंने अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो लेटर हेड है उनसे जो है उन्होंने एक लिखवा लिया कि भाई आपको जो है ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ब्रह्मा कुमारी वर्ड का ट्रेडमार्क लेने के लिए हम ऑथराइज करते हैं। तो अगर अब ये एप्लीकेशन उनकी मंजूर हो जाती है तो फिर उनका ये कहना है कि अमेरिका में उन्होंने एक अलग संस्था बनाई है ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से कुछ नाम है उसका, तो उनको वहां पर ये अधिकार होगा कि वो ब्रह्मा कुमारी वर्ड का यूज करें और बाकी विश्व में जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था को ये अधिकार होगा, तो उनकी परमिशन के बिना कोई ये वर्ड ही यूज नहीं कर पाएगा ब्रह्मा कुमारी वर्ड सारे विश्व में। हाँ जी। वाह, तो ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा कहाँ है जो ब्रह्मा कुमारी कह रहे हैं? तो ये मतलब इसको तो ये बात ही साबित नहीं होती। ब्रह्मा कुमारी तो तब कहा जाए जब ब्रह्मा मौजूद हो। उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो तो ब्रह्मा तुम्हारा कहाँ है? ब्रह्मा तो साबित करो, वो कहाँ काम कर रहा है? परमधामवासी हो गया क्या कि कहीं जन्म ले लिया? अरे ब्रह्मा ने तो ढेर सारा ज्ञान उसके मुख से सुनाया गया ना, तो वो आत्मा अभी इस सृष्टि पर मौजूद होगी कि नहीं मौजूद होगी? मौजूद होगी। फिर साबित करो। अमेरिका वालों को तो बेवकूफ बनाना बड़ा सहज है, वो तो कुछ भी नहीं जानते बेचारे। तो क्या उनको हम चैलेंज कर सकते हैं चिट्ठी लिख करके कि भी उनको ये ब्रह्मा कुमारी वर्ड का पेटेंट ना दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल झूठा साबित हो जाएगा, पेटेंट देने वाले को झूठे साबित हो जाएंगे। भारत में भी तो पेटेंट लिया था नीम के वृक्ष का अमेरिका ने, फिर क्या हुआ? बासमती का भी इसी तरह से, बासमती चावल का भी लिया, फिर क्या हुआ? लेकिन अभी प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं अभी भी इंडिया वाले। नहीं नहीं, तो जो नीम का पेटेंट लिया था वो वापस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? फिर ऐसे ये भी वापस हो जाएगा? झूठा तो झूठा ही है, झूठा कब तक? झूठ के पांव नहीं होते हैं, कब तक टिकेगा? ज्यादा चांगड़ा पना दिखा रही है ब्रह्मा कुमारी, पेटेंट करा लेंगे ब्रह्मा कुमारी नाम।
ऐसे ही जो है उन्होंने उदाहरण दिया उस साइट वालों ने कि अमेरिका में कोई हठयोग का गुरु है, उसने जो है वो जिस प्रकार का योग सिखाता है उसने योग के लिए पेटेंट फाइल कर दिया और फिर जो है उसको मिल गया पेटेंट। लेकिन बाकी जो दुनिया की योग की संस्थाएं, उन्होंने कहा ये तो हजारों सालों से योग हम करते आ रहे हैं, तो सिर्फ तुमने ही जो योग सिखाया वही योग कैसे हो सकता है। तो फिर उनकी अर्जी जो है नामंजूर हो गई। फिर ये तो सब चलता रहता है, पेटेंट बनाएंगे, पेटेंट स्वीकृत करेंगे, खारिज करेंगे। बातों से डरना थोड़ा ही है। और उससे जो है उनकी ब्रह्मा कुमारी संस्था का झूठी साबित होता है कि एक तरफ से वो कहते हैं ये यूनिवर्सल नॉलेज है, फिर और पेटेंट दूसरी तरफ पेटेंट करा रहे हैं। तो ये किसी धर्म का आज तक पेटेंट थोड़ी हुआ कि भाई बौद्ध धर्म जो है इसी देश का है या इस्लाम धर्म इसी देश का है, ऐसा तो नहीं। सारी दुनिया में हर धर्म के लोग होते हैं। फिर वो कर तो रहे लेकिन खिल्ली अपनी उड़ा रहे हैं। और एक और प्रश्न ये कि एडवांस के जो ज्यादातर बच्चे हैं उनके पास शास्त्रों का धर्म ग्रंथों का इतना ज्ञान नहीं है जो कि शास्त्रकारों तो इतना ज्ञान रखने की जरूरत क्या है जब बाबा ने कहा शास्त्रों में भूसा भरा पड़ा है, सच्चाई तो मैं सुनाता हूँ शास्त्रों में क्या है। तो शास्त्रों में जो सार है वो तो बाबा सुना रहा है, तो बाबा ने जो सार सुना है उतना ही शास्त्रों की बातें उठाना अच्छा है या सारा ही शास्त्रों का ज्ञान अच्छा है? सार लेना अच्छा है। भूसे के क्या करेंगे, जानवरों के ला दो। लेकिन अंत में बाबा ने यह भी कहा है कि भी जब तक दुनिया वालों को प्रूफ प्रमाण ना मिले तब तक वो मानेंगे नहीं। हाँ, तो शास्त्रकारों से या धर्म गुरुओं से अगर हमको ये माने शास्त्र लिखे हुए किसके हैं, भगवान के लिखे या देवताओं के लिखे या मनुष्यों के लिखे हुए? मनुष्यों के लिखे हुए। तो मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों को प्रूफ मानना ये होशियारी है? जो शास्त्र एक दूसरे का काट कर रहे हैं, एक मनुष्य की बात को प्रूफ मानेंगे या हजारों मनुष्यों की बात जो आपस में टकरा रही है उन सबको प्रूफ मानेंगे एक की बात? तो फिर पूछने का अर्थ ये है कि जो बाबा ने शास्त्रों में या शास्त्रों की बातें बताई हैं क्या उसी के आधार पर हम उनको कन्विंस कर पाएंगे अंत में? भाई उन्हीं को कन्विंस करें या तो जो एडवांस पार्टी में जो क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है और शास्त्रों की बातें क्लियर की जा रही हैं उनको उठाना है बस। लेकिन क्या वो इसी से कन्विंस हो जाएंगे जो शास्त्रकार या धर्म गुरु हैं? सारी दुनिया को कन्विंस करने का क्या ठेका लिया हुआ है? सारी दुनिया जो ब्रह्मा के मुख से सुनाए हुए शिव के वसंस हैं उनको माने ही माने इस बात का ठेका लिया हुआ है क्या? सारे तो नहीं मानेंगे। फिर जो विधर्मी होंगे वो आधी बात मानेंगे आधी बातें नहीं मानेंगे? पक्के सूर्यवंशी होंगे वो मुरली की हर बात मानेंगे। लेकिन ये भी कहा गया है कि सारे धर्म पिता जो है सलामी देने जरूर आएंगे। तो सलामी दो, सलामी लेने से क्या होता है जब थक गए सारे जिज्ञासु टूट गए कोई बचा ही नहीं तो नाक लटकाएंगे और क्या करेंगे? धर्म गुरुओं की जब सारे जिज्ञासु टूट जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने आप नाक लटका के आ जाएंगे। वो तो मजबूरी की बात हो गई ना। और एक और लौकिक दुनिया की दृष्टि से एक प्रश्न है कि मुसलमानों में भी बुर्का प्रथा है और हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा है, तो हिंदुओं में तो सिर्फ मुंह ढांकते हैं, चेहरे को ही ढांकते हैं, वो तो ऊपर से लेके नीचे तक एड़ी से लेके चोटी तक सारा ही कवर कर देते हैं। तो इसकी शूटिंग कैसे होती है यहाँ? महाकाली संप्रदाय नहीं निकल रहा है? देखा नहीं महाकाली को? है नहीं देखा महाकाली को? हाँ, काली को जो कपड़े अपड़े होते हैं वो काले होते हैं, चेहरा काला होता है, शरीर काला होता है या गोरा होता है? सारा शरीर काला होता है, काला काली में से ढका हुआ है। लेकिन हिंदुओं में मतलब ये प्रथा कैसे आ गई?
जो इस्लाम धर्म की शूटिंग होती है आज तो हिंदुओं की बात ही छोड़ दो, वो तो हिंदू सारे ही विदेशी हो गए, सारी दिल्ली ही विदेशी हो गई, विदेशियों को फॉलो करने वाली हो गई, अपने स्वरूप को भूल गए तो दूसरों का रूप अपना लिया, संस्कृति शिक्षा सब कुछ तो अपना लिया। जब देवहान बढ़ता है, अपने देवहान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब फिर ऐसे ये जो झूठे झूठे साधन हैं वो अपनाए जाते हैं, घूंघट मारना। अरे आंखों का घूंघट सबसे बढ़िया है, कोई जरूरी है कि दूसरा हमको देख रहा है तो हमको देखें ही देखें? आंखें फेर सकते हैं, आंखें भी तो घूंघट है। तो जैसे जैसे विदेशियों का संग करण बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीयों में देवभान बढ़ता गया, और देवभान बढ़ने के कारण फिर उन्होंने ये झूठे साधन अपनाना शुरू कर दिया। और एक और प्रश्न जो है, लौकिक दुनिया में जो आश्रम में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लौकिक दुनिया में नौकरी करते हैं पीवी केस या बी केस जो भी हैं, तो उनके सामने खान पान की समस्या आती है, तो बाकी सब विषयों में तो मतलब वो कन्विंस कर पाते हैं, लेकिन खान पान के विषय में जो है सारी दलीलें देने के बावजूद भी जो है लौकिक दुनिया वाले ये प्रश्न करने लगते हैं कि भाई क्या हम शूद्र हैं, क्या हमको इतना आप पतित क्यों मानते हो कि भाई हमारे हाथ का आप नहीं खा सकते हो, हम आपको जो है शुद्ध स्नान करके पवित्र भगवान की याद में आप आपको बना के खिलाएंगे, आप हमारा खाना क्यों नहीं खाते हो? तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई हम शूद्र किस आधार पर हो गए, शूद्रों का संग करते हैं, सारी दुनिया इस समय शूद्र बन पड़ी है। तुलसीदास ने तो अभी की बात छोड़ो 500 साल पहले ही लिख दिया, भय वर्ण शंकर सब है, सारे ही वर्ण शंकर हो गए, सब शूद्र हो गए। अब तो 500 साल के बाद कितना शूद्रपना फैल गया है। संग दोष और अन्न दोष कोई चीज नहीं होती है क्या? वो ये भी पूछते हैं कि भी जब आप इतना ऊंचा ज्ञान आप लेते हो तो क्या कोई आपको अगर प्यार से भोजन देता है तो क्या आप उसको पवित्र नहीं बना सकते हो देकर के? ये हर आत्मा की अपनी पावर की बात है, सब आत्मा एक जैसी पावरफुल नहीं है। कन्या माताओं को तो और ज्यादा संकरण लगता है, और भोजन का ज्यादा असर करता है, वो तो अबला है, उनका तन भी अबला है, मन भी अबला है, दृष्टि भी अबला है। जब तक संपन्न स्टेज में पुरुषार्थ की न पहुंचे तब तक ऐसे ही चलना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी, जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। फिर तो संग दोष को भी लपेट लो, किसी का भी संग करो इंद्रियों से, कोई असर पड़ता है? बाबा भी याद करो, हो जाएगा, चल जाएगा। पतितात्माओं का संकरण तो लगेगा, तो पतितात्माओं को भोजन खाएंगे तो भोजन असर नहीं करेगा, उनका वाइब्रेशन नहीं होता, उनकी दृष्टि नहीं होती पतित। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़े ही है, जो कर सके सो करें, जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा, नहीं करेंगे अपने लिए करेंगे, करेंगे तो अपने लिए करेंगे। बाबा तो किसी के ऊपर कोई कंपल्शन करता ही नहीं है, न कि किसी को सूली पटांग दिया है। तुम जितना कर सको उतना करो, करोगे अपने लिए करोगे, नहीं करोगे शिव बाबा ही नहीं कर देगा क्या? करके देख लो, जब अच्छी तरह गड्ढे में चले जाओ तब फिर मान लेना। अरे एडवांस पार्टी में बताया गया आंखें मिलाना गलत काम है, आंखें भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का व्यभिचार अच्छा नहीं होता। ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं माना,
सख्त अपोजिशन किया। अब वो ही बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां खुद नहीं बैठती हैं याद में, असिस्टेंट बहनों को बैठाने लगी। क्यों ऐसा करना उन्होंने शुरू कर दिया? उन्होंने जान लिया कि हमारी दृष्टिवृत्ति पतित होती जा रही है, तीव्रता से हम नीचे गिर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करके देख लो, जब अच्छी तरह गड्ढे में चले जाओ तो चोटी पकड़ के उठा लेगा। अभी गिरने का टाइम है या उठने का टाइम है? तो उठने का टाइम। फिर उठने का टाइम पर तुम्हारी बुद्धि ऐसी चल रही है कि हम गड्ढे में जाएं तो अच्छा है, जाओ गड्ढे में। उस चर्चा में मतलब ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि कई बीके पीबी के हैं जो मतलब अपने बुजुर्ग माता पिता के हाथ का भी, माता के हाथ का भी खाना मतलब छोड़ देते हैं कि वे इसी कारण से कि बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी बुद्धि उनकी मेंटेलिटी और ज्यादा विकारी हो जाती है कि निर्विकारी बन जाती है। जो वाइब्रेशन है उनके मेंटेलिटी के, वो सारे जीवन के जो विकारी के वाइब्रेशन है वो वृद्ध अवस्था में बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो फिर उसका असर क्या होगा? अब चाहे माता हो चाहे बहन हो या कोई भी हो, अगर ज्ञान में चल रहा है तो फिर भी अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ज्ञान में नहीं चल रहा है तो खुला हुआ रास्ता है नीचे गिरने का, तो कंट्रोल करना जानता ही नहीं। नहीं समझो, कोई बुजुर्ग माता है, विधवा है, बुजुर्ग हो तो, बुजुर्ग है तो क्या मन के अंदर विकारी संकल्प नहीं आते हैं? इंद्रियां ही तो निस्तेज हो गई हैं, मन तो निस्तेज नहीं हो गया, दृष्टि तो कंट्रोल नहीं हो गई। अब उनका ये पूछना है कि भी समझो कोई 80 साल की बुजुर्ग माता है, वो कई सालों से जो है पवित्रता का पालन कर रही है स्थूल इंद्रियों से, ठीक है, लेकिन कोई बीके या पीबी के हो सकता है जो वैसे तो मतलब नाम के लिए बीके पीबी के है, लेकिन उसके मन के संकल्प खराब हो सकते हैं, तो आप उस कंट्रोल कौन करेगा दोनों में से? कंट्रोल तो ये जिसमें ज्ञान होगा वही कंट्रोल करेगा, कि जो बिल्कुल अज्ञानी है जानता ही नहीं कुछ वो कंट्रोल करेगा? मन को कंट्रोल करना ये सबके बस की बात है या सिर्फ पीबी के और बीके की बस की बात है? बीके पीबी के। फिर मन ही तो मुख्य इंद्रिय है, मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है, मन कंट्रोल नहीं सा तो सारी इंद्रियां कंट्रोल से बाहर ही समझो। अगला जन्म मिल लिया और जैसे ही बड़े होंगे फिर इंद्रियां अपना अपनी स्थिति को पकड़ लेंगे, बच्चा रहेंगी तब तक मर्ज रहेगा, संस्कार तो रहेंगे ना, वाइब्रेशन तो रहेंगे ना। इसी तरह की एक समस्या कुमारों के सामने आती है शादी की, तो जो ज्ञान में चलने वाले कुमार हैं वो तो हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने लौकिक साथियों को कि भाई किस आधार पर हमने ये पवित्र जीवन अपनाया है, लेकिन वो लौकिक वाले जो है अपनी हर तरह से दलील देते रहते हैं कि भाई जब तक तुमने गृहस्थ जीवन के दुख सुख का अनुभव नहीं किया है तो तब तक हम कैसे मान ले कि भाई तुमने विकारों पर जीत पा ली है। हम कहाँ कह रहे हैं हमने विकारों पर जीत पा ली, हम तो पुरुषार्थी हैं, ये तो कहना गलत हो गया कि हमने जीत पा ली, उल्टा ज्ञान क्यों उठाना? हम तो विकारों पर जीत पाने के पुरुषार्थी हैं, हम कहाँ कह रहे हैं हम जीव देवता बन गए? क्यों वो कहते हैं अभी तुमने शादी नहीं की तुम तो सन्यासी की तरह हो, तो शादी तो नहीं की है लेकिन जब हम आंख से देखते हैं तो हमें पता तो चलता है कि हमारे अंदर कितना पतितपन है, दृष्टि हमारी पतित है कि पावन है। दृष्टि हमारी जो है वो हमको व्यभिचार की तरफ खींच रही है या व्यभिचारी बना दिया है मालूम नहीं पड़ता अंदर से, तो पता इसके लिए हमें शादी करने की क्या जरूरत है? बिना शादी किए हम अपने परिवार के अंदर जो बहने हैं भांजियां हैं उनके साथ रह करके हम अपने को चेक नहीं कर सकते?
अंदर से नहीं आता, समझते नहीं है कि हम विकारी है कि निर्विकारी है, तो हर एक को पता चल रहा है। फिर हमें अंदर से पता चल रहा है कि हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, और हमें मुरली ऊपर से बता रही है कि पहले ही दिन ढेर हो जाएंगे शादी करने के बाद, तो जानबूझ करके आ बहन तू मुझे मार, ये करने की क्या जरूरत है। एक और प्रश्न ये आया है कि क्या बीके पीबी के इसको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या वो योगासन या किसी तरह की कसरत या किसी तरह की खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं? ज्यादा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, जितना जरूरत हो उतना, जैसे दवाई लेते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं। बीके पीबी के इस दवाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो जैसे दवाई लेते हैं और अगर आसन प्राणायाम से कुछ फायदा हो सकता है तो वो करना कोई मना थोड़ा ही है, कोई खराब काम तो है नहीं। और एक प्रश्न आपसे पूछा था कि निश्चय पत्र में जो है मामा बाबा का लौकिक नाम क्यों लिखा जाता है, तो वो लिखने वालों से पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? निश्चय पत्र हमने लिख के दिया है या उन्होंने लिख के दिया है? हमने लिख के दिया ना, लिखने वालों ने, लिखने वाले लिख रहे हैं, अभी मम्मा का नाम भी लिख रहे हैं, मरना मम्मा तो त्याग पत्र भी दे करके अलग हो गई, लिखने वाले लिख रहे हैं उनकी सत्ता विश्वास, आप उन्हें कन्विंस करवा जाके निश्चय पत्र कैंसिल करवा जाके। उसी संबंध में जो है एक और प्रश्न ये उस पे साइट पे आया था कि भी मम्मा बाबा दोनों के नाम के साथ दीक्षित सरनेम जुड़ा होता है, तो क्या दोनों की दुनियावी दृष्टि से कोई कोर्ट मैरिज वगैरह हुई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अपने नाम के आगे कोई टाइटल जोड़ना चाहे तो क्या कोई बंदिश है? क्या बंदिश है? फिर जोड़ने वाला जोड़ना चाहता है, तुमको क्या दर्द हो रहा है? लौकिक दुनिया में भी ऐसा ही हुआ था, फिरोज गांधी ने जो है गांधी का दत्तक पुत्र होने के नाते गांधी अपने साथ जोड़ लिया, गांधी टाइटल ले लिया, और वो दूसरों को दर्द क्यों हो रहा है? ये तो अपने अपने मन का मेल है, जब तक जिसका जिसके मन से मेल होता है वैसा टाइटल ले सकता है, देने वाला टाइटल न भी दे तो भी लेने वाला लेना चाहे तो कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं ले सकता। फिर और कुछ लोग जो बीवी के छोड़ के जाते हैं या दूसरी पार्टियां जो निकल रही है उनका जो ज्ञान सुनते हैं तो उनकी ये शिकायत है कि भाई उन्हें बीवी के मिनी मधुबनों में क्लास करने नहीं दिया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि पहले वो अपने बाप का नाम बताएं, जिस बाप से वो पढ़ाई पढ़ते हैं, जिस बाप से उन्होंने जन्म लिया है उसका परिचय दें। यहाँ तो एक परिवार है, बाप का परिवार, एक परिवार के बच्चे एक परिवार में बैठेंगे या बंगियों और चमारों का परिवार के लोगों को हम अपने परिवार में घुसेड़ लेंगे, संकरण नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। भगवान के तो बाप का ही पता नहीं, विष्णु 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 चिल्लाते फिर रहे, बाप का परिचय तो दे पहले, तुम्हारा बाप कौन है, तुम किसकी मत पर चलते हो, तुम्हारा टीचर कौन है, सुप्रीम टीचर का तो नाम बताओ। मुरली में तो बोला है बाप टीचर सदगुरु एक ही है, जो पूछने वाले हैं उनके परिवार में दूसरे चोर डकैतों के लोगों को जाकर के बैठा दे तो स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। फिर ये
ये तो चोर है जो भगवान का टाइटल लेकर के बैठे हुए हैं, देवताओं का टाइटल लेकर के बैठे हैं। वो ये दलील देते हैं कि वे जब पीबी के इसको बीके के यहाँ आने नहीं दिया जाता है तब तो आप उनको कहते हैं कि वो गलत है। कारण है ना, बीके वाले जिन्होंने बीके कोर्स लिया है, जिन्होंने बीके की भट्टी की है, उन्हीं को आने देते हैं या जो ब्रह्मा को नहीं मानते उनको आने देते हैं? जो बीके को मानते हैं उनको। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु तीनों को मानने की बात है, तीनों का परिचय दो, त्रिमूर्ति बाप का परिचय दो और आकर के बैठो। अरे एक परिवार में एक ही परिवार के सदस्य बैठेंगे या के सभी को मिक्स करके बैठाया जाएगा? हाँ, जब तक एक बाप की पहचान नहीं होती है तब तक अलग बैठ करके सुनो, समझो। जब तुम्हें निश्चय हो जाए तब निश्चय पत्र लिखना, माफीनामा लिखना कि हम दो दो बाप तीन तीन बाप बनाते बनाए बैठे हैं, जो किया है वो लिखना तो पड़ेगा ना, तो लिखो, हम झूठी बात तो नहीं लिखवा रहे। और जो कुछ कुछ लोग जो पीबी के छोड़ के गए हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ एडवांस पार्टी में पीबी के बहनों को जो है भाइयों से मिलने नहीं दिया जाता है, उनको बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है। हाँ। तो वो कहते हैं कि ये जो है इस्लाम धर्म की शूटिंग कर रहे हैं, उनको अंदर छुपा के रखा जाता है। कोई गलती ऐसी पकड़ते हैं, ऐसा कोई हमारे पास पोता मिल आता है तब ऐसा किया जाता है। तुम्हारे पास तो पोता मिल नहीं आता? आता है। फिर बाप को जब पता चलेगा कि बच्चा ऐसा शैतान है, ऐसा निकम्मा है, बाप की डोर पात गवाने वाला है, तो उस बच्चे को बच्चियों से बचाएगा नहीं? बचाएगा। बच्ची को बच्चियों बच्चों से ऐसे दुष्कर्म करने वाले बच्चों से नहीं बचाएगा? ये सब विदेशियों के प्रश्न है जिन्होंने विदेशीयता फैलाई है और व्यभिचार बढ़ाया है दुनिया में। बाप तो अभी निर्विकारी दुनिया बनाने आया है, अब व्यभिचारी दुनिया बनाने आया है। और एक और बात ये जानकारी में आई है कि बाबा जो है आजकल नेचुरोपैथी का पालन कर रहे हैं। और दूध नेचुरोपैथी का पालन कर रहे हैं, बाबा होम्योपैथी का पालन कर रहे हैं, बाबा क्या होता है वो बीज थेरापी का पालन कर रहे हैं, कोई तो खराब काम कर रहे हैं है? ये सुनने में आया कि भाई दूध या दूध के जो भी उत्पाद हैं प्रोडक्ट्स हैं तो उनका उपयोग कम कर दिया है या बंद कर दिया है बाबा ने? ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया के जितने भी प्राणी मात्र हैं वो मनुष्य के लिए हैं या मनुष्य प्राणियों के लिए? प्राणी मनुष्यों के लिए। प्राणी जो है वो मनुष्यों के लिए है, तो प्राणियों से जो निकलता हुआ दूध है वो दूध प्राचीन काल से सेवन होता चला आया है और अभी भी सेवन किया जा रहा है, तो खराब बात क्या है? दूध तो दूध है, वो कोई मांस तो नहीं है, खून तो नहीं है। दुनिया में भी कुछ लोग ये अभियान मतलब उन्होंने चलाया हुआ है कि भाई दूध जो है केवल बछड़े के लिए ही होता है, उसको आदमी को नहीं पीना चाहिए, लेकिन आदमी पीता तो आ रहा है। पीने से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा ही हो रहा है, वो तो फायदा हो रहा है तो उनको तकलीफ क्या हो रही है? वो ये कहते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि आजकल कलयुगी दुनिया में जो है दूध निकालने के लिए गायों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है, कई इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं। अब कीड़ों को तो मच्छरों को मार रहे हैं, उनके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मक्खियों को मार रहे हैं तो इतनी दवाइयां डाल डाल करके उनके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? कीड़े मकोड़े जानवरों के लिए बड़ी वो सहानुभूति पैदा हो रही है,
मनुष्यों के लिए सहानुभूति पैदा नहीं हो रही है। अरे जानवर भी अपने जात के लिए मरते हैं, तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य होकर के मनुष्य की सेफ्टी नहीं की बात नहीं करते, जानवरों की बात सोचते हो, जानवर बुद्धि हो। लेकिन अत्याचार भी तो नहीं होना चाहिए गौओं के साथ, वो कहते हैं कि भी अत्याचार अत्याचार कौन सा हो रहा है, उनको खिलाते पिलाते नहीं है, उनको चारा बैठे बैठे ही नहीं देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे आदमी से काम कराया जाता है तो उसे पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? अपने घर में नौकर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों रखते हैं? उसके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो इतना? तुम्हें 50,000 तनख्वाह मिल रही तो 25,000 उसको भी दे दो, तुम्हारे घर का भांति बन करके तुम्हारे घर का सारा कार्य कर रहा है, 25,000 क्यों नहीं देते उसे? क्यों अत्याचार कर रहे हो उसके ऊपर? मनुष्य को नहीं देखते, जानवर को ज्यादा देखते हो। इधर आ जाओ सामने, क्यों रावण संप्रदाय साबित हो जाएंगे? आवाज तो आ ही जाएगी। सीता सीता का पाठ है वो त्रेता में जब आती है वो राम बनती है, जो यहाँ राम के द्वारा जो शुद्धि है, जो राम वाली आत्मा के द्वारा शुद्धि चल रही है कि वो आत्मा नारायण से आर्य समाजी आधारण आत्मा से कंट्रोलिंग पावर लेते हैं, वो शूटिंग जो यहाँ चल रही है तो वहाँ त्रेता में आकर के वो जो कंट्रोलिंग पावर है वो दूसरी आत्मा के हाथों में नहीं जाएगा। जैसे जो यहाँ शूटिंग चल रहा है एक आत्मा के द्वारा, तो वो जो बदलाव हो जाएगा, सीता राम बनेगी और राम सीता बनेगी, तो जैसे वहाँ जो जो होगा तो दूसरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा? मूल प्रश्न क्या है, समझ लिया आपने? नहीं, मैं भी समझा नहीं। नहीं, यहाँ जो सीता जो राम राम की आत्मा के द्वारा जो शूटिंग चल रही है कि रात कि राम वाली सोल राम वाली आत्मा आर्य समाजी आत्मा से वो कंट्रोलिंग पावर लेता है लेते हैं और ले वो पावर लेकर वो त्रेता की स्थापना करते हैं, तो वो शूटिंग यहाँ रावण के राम के द्वारा चल रही है। लेकिन यहाँ जो समझ गया, राम वाली आत्मा जो रावण संप्रदाय से लेती है, माना आखिरी नारायण से जो लेती है, वो अपनी पावर से लेती है या आधी पावर विजयमाला की आती है प्योरिटी की तब लेती है? प्रैक्टिकल में कब लेती है? प्योरिटी के पावर का आधार पर तो हिस्सा नहीं देना पड़े, हिस्सा लेना पड़े, अर्धांगिनी बनाना नहीं पड़े, तो बस बात हल हो गई। इनका पूछना ये कि यहाँ तो राम वाली आत्मा लेती है, राम वाली आत्मा नहीं लेती है, राम वाली आत्मा उसके सहयोग से लेती है, तब प्रैक्टिकल होता है। लेकिन तो प्रैक्टिकल किसने लिया? प्रैक्टिकल में पास कौन हुआ, राम वाली आत्मा या सीता वाली आत्मा? सीता वाली आत्मा तो वही लेगी, तो वहाँ वो राम बनेगी, राम बनेगी वहाँ आखिरी नारायण से वो गद्दी लेगी। हाँ, तो 21 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है, हम तुम्हारे सहयोगी बने तुम हमारे सहयोगी बनो। अर्धांगिनी का मतलब क्या है? राजा का ही राजी चले, रानी का राजी नहीं है वो भी करे। और यहाँ तो एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष बनना ही बनना है। प्रश्न भी है कि जो एक एक आत्मा के द्वारा जो शूटिंग यहाँ चल रही है, तो क्या शूटिंग चल रही है? क्या उन्होंने प्रैक्टिकल में ले लिया?
प्रैक्टिकल में राजा ही लेने की शूटिंग चल रही है, राम वाली आत्मा प्रैक्टिकल में ले पाती है? खुद नहीं पाती, नहीं ले पाती, तो आधा हिस्सा उधर देना पड़ेगा। यही बात है, सीता वाली आत्मा राम बनेगी, राम वाली आत्मा सीता बनेगी, दोनों का राज्य कहा जाएगा, राम सीता का राज्य। और दूसरा प्रश्न ये था कि यहाँ जो जो हमारा संबंध है माता पिता और भाई बहन, वहाँ ब्रह्म ड्रामा में भी सातयुग त्रेता युग में वही संबंध रहेगा, बाबा कहते हैं हर के संबंध। तो प्रश्न ये है कि अष्टदेव कृष्णा के परिवार में वो कृष्णा के लिए कौन होगा? अष्टदेव कृष्णा के परिवार में जो उनका पालन करेंगे वो कृष्णा के लिए कौन होंगे? जैसे राम वाली आत्मा पालन करने वाली है, वैसे वो भी पालन करने वाले होंगे, संगी साथी होंगे। संबंध संबंध कैसे होगा? कोई संबंध, संबंध की क्या जरूरत है? संबंध जबरदस्ती लगाना जरूरी है? कौन से कृष्ण की पालना की बात कर रहे हैं आप? सतयुगी कृष्ण की, सतयुगी कृष्ण की अष्टदेव पालना करेंगे? यहाँ शूटिंग होगी तो जो यहाँ शूटिंग होगी संगम युग में तो वही वहाँ रहेगी। तो अगर हम संबंध कहते हैं परिवार में, तो परिवार में बाप माता पिता है और भाई बहन। हाँ, भाई बहन है, राधा कृष्ण आपस में भाई बहन है, और माँ बाप तो माँ बाप है। और वो आत्माएं किस रूप में है? और वो आत्माएं किस रूप में होंगी? संगी साथियों के रूप में। माता जी पूछ रहे हैं कि क्या वो भी परिवार के सदस्य होंगे? अष्टदेव वहाँ पर संगी साथियों के रूप में परिवार के सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि परिवार तो सीमित होता है वहाँ पर। सीमित परिवार होता है, संगी साथी होंगे। और जब परमधाम इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो उस परमधाम में पांच तत्वों की बात नहीं होनी चाहिए? पांच तत्वों उसके ऊपर जीत पाए होंगे, हाँ। पांच तत्वों से परे बुद्धि रहेगी या उनके साथ अटैचमेंट होगा? नहीं, बुद्धि से परे होना चाहिए। जब भूख ही तो, भूख प्यास ही असंपन्न स्टेज में बंद हो जाएगी तो पांच तत्वों की जरूरत ही कहाँ रहेगी? एक प्रश्न यहाँ है, सांस सांस लेना छोड़ना माना हवा जो एक तत्व है, जब याद में पर, जब याद में हम बैठते हैं तो अनुभव करते हैं, जब गहरी याद होती है तो श्वास प्रश्वास भी धीमी बहुत धीमी हो जाती है, तो जब लास्ट स्टेज पहुंचेगी तो श्वास की भी हमें दरकार नहीं है। जैसे जो झूठे योगी होते हैं आठ योगी, वो भी अपने कुंभक को साध लेते हैं, जब कुंभक साधते हैं अंदर सांस रोक लेते हैं तो दो दो तीन तीन चार चार दिन तक ऐसे ही श्वास रोक के कुंभक में बैठे रहते हैं, फिर तीन दिन के बाद समाधि उनकी खुलती है, तो उनमें जब इतनी पावर आ जाती है तो हमारी भी इतनी पावर नहीं आएगी कि हम श्वास के बगैर रह सकें। क्या बड़ी बात हो गई, पांच तत्वों के अधीन नहीं होंगे बल्कि पांच तत्व तो हमारे अधीन होंगे। और एक प्रश्न था कि सिर्फ हिंदू आत्माएं कन्वर्ट, सिर्फ हिंदू आत्माएं कन्वर्ट हो जाते हैं? कौन आत्माएं? हिंदू माना देवता देवता, सिर्फ हिंदू ही कन्वर्ट होते हैं। लेकिन दूसरे धर्म में भी, दूसरे धर्मों में भी कन्वर्ट कन्वर्शन होता है, होते हैं माना आत्माएं दूसरे धर्म अपना कर दूसरे धर्म में हो जाते हैं। तो ये प्रश्न ये है कि जो कन्वर्ट होते हैं तो वो ओरिजिनल वही हिंदू आत्माएं हैं दूसरे धर्म में? जरूर होंगी, और कोई नहीं दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है? नहीं, जो हिंदू अपने को कहलाते हैं वास्तव में वो हिंदू कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, लेकिन वास्तव में हिंसा को दूर करने वाले नहीं है, हिंसा को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। हिंसा को जो बढ़ाने वाले हैं वो सारे विधर्मियों में कन्वर्ट होते हैं,
थोड़ी सी आत्माएं हैं देवता धर्म की जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होती, अपने धर्म के पक्के हैं मुट्ठी भर। तो इसका मतलब ये है जो जो ब्रह्मा की गोद में पले हैं वो सब कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे धर्म जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले गए हैं और वो ही आत्माएं फिर दूसरे दूसरे धर्मों में चले और कोई दूसरी आत्माएं नहीं जो नहीं उस धर्म में आत्मा जो हिंदू धर्म की आत्माएं थी वही कन्वर्ट होती है। दूसरा जन्म विदेशों में जाके जन्म लेंगे तो भी और दूसरा जन्म लेंगे तो भी वही कन्वर्ट होंगे, उन्हें कन्वर्शन के संस्कार है। अभी जो त्रिमूर्ति का नया क्लारिफिकेशन दिया जाता है अभी मुरलियों में क्लारिफिकेशंस में या वार्तालाप में, तो कोर्स सुनाते समय कोर्स देते समय वही नया क्लारिफिकेशन के अनुसार सुनाना है या जो पुरानी वर्जन था उसके अनुसार? ज्ञान में अल्टरनेशन करेक्शन होता रहता है तो करेक्ट चीज ही उठाना चाहिए बाद वाली या पुरानी चीज ही बताना चाहिए? लगता है कि नई चीज में निकल रही है और उसका फाउंडेशन हमें मुरलियों में मिल रहा है तो हम क्यों नहीं उसे अपना लेना चाहिए। और एक प्रश्न है कि जैसे बाबा समझाते हैं कि सतयुग में सिर्फ दिन होगा रात नहीं होगी और इसके लिए मिसाल देते हैं जैसे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में 6 महीनों तक लगातार दिन और रात होती है, तो ऊपर से देखा जाए साइंस विज्ञान के आधार पर हम देखा जाए तो ये इसलिए होता है कि पृथ्वी का जो दूरी है वो तिरछी है तो तिरछी वो सीधी नहीं हो सकती, सीधी हो सकती है तिरछी के मुकाबले बिल्कुल उल्टी नहीं हो सकती, उल्टी बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रश्न है किस पोजीशन में पृथ्वी होनी चाहिए ताकि किस पोजीशन में वो धुरी होनी चाहिए? ये तो जिस पोजीशन में जब होगी तभी पता चलेगा, अभी पता नहीं चल सकता। एक मिसाल दिया कि जब उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन हो सकता है तो आधा कल्प का दिन क्यों नहीं हो सकता षष्ठी रूपी रंगमंच पर? हो सकता है क्योंकि पृथ्वी तो अपने अपनी धुरी की चक्कर काटेगी और सूर्य की चक्कर। पृथ्वी हो या कोई भी तत्व हो सब सतो प्राण सतो सामान्य रजो और तमो बनते हैं, तो पृथ्वी भी ऐसी स्टेज पकड़ती है जहाँ दिन ही दिन होगा, लेकिन जम्बू द्वीप में होगा, भारतवर्ष में होगा, पूरे सागर में नहीं होगा। सारी दुनिया सागर में डूब जाएगी, वहां अंधेरा रहेगा। एक प्रश्न था जैसे मुरली में कभी कभी बाबा बताते हम भारतवासी हम भारतवासियों की संस्कृति हम हमारी परंपराओं के अनुसार, तो यहाँ वो प्रश्न जिसने उठाया वो पूछा हम का मतलब यहाँ क्या है कौन? हम है शिव के बच्चे। हाँ इसके लिए बताया कन्वर्ट ना होने वाले हमारी परंपराएं वो हैं जो संगम युग में बाबा ने डाली हैं, वही हमारी परंपरा है। तो मैं उस प्रश्न को जवाब देने की कोशिश करते करते सोचा, लेकिन वो प्रश्न था कि शिव तो परंपराओं से परे है। शिव का बच्चा जिसमें प्रवेश करता है वो तो परंपराओं से परे नहीं है। शिव का 100% ज्ञान उठाने वाला तो कोई बच्चा है। जब एक बच्चा ऐसा है तो उसमें संस्कार भी वैसे होंगे।
बाबा माता जी ये पूछ रही कि जैसे प्रजापिता वाली आत्मा है वो तो सारे विश्व की बाप वाली आत्मा है, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि भी हम भारतीय, हमारे भारत में ऐसी परंपरा है, हमारे हमारा भारत जो है ये वर्ड क्यों यूज करती है जबकि वो सारे विश्व का पिता है। यूज करती है कि भारत में ही स्वर्ग बनाना है, विदेशों में स्वर्ग नहीं बनाना है। और जो अपने को विदेशी समझते हैं वो पहले ये पक्का करें कि आत्मा स्वदेशी विदेशी नहीं होती है, शरीर स्वदेशी विदेशी होता है। वो देवान में आकर के बोल रहे हैं, वो देवान में आना बंद कर दें और अपने को आत्मा समझें स्वदेशी। वो क्यों अपने को विदेशी आत्मा समझते हैं? आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है क्या? पक्का है दे? शरीर स्वदेशी विदेशी होता है। तब जब आत्मा परम धाम से उतरती है तो कहां उतरती है? भारत में उतरती है। तो क्या कहेंगे? कोई आत्मा ऐसी है जो भारत में नहीं उतरती? द्वापर युग से बहुत सी आत्मा है जो विदेश में जाके उतरती है। कभी कभी क्यों होता है? अपन को आत्मा क्यों नहीं समझते? हाँ, लेकिन वो लोग देह क्यों समझते हो? देह समझते हो तो ऐसा होता है, आत्मा समझो तो नहीं होगा। ये ऐसा ही उत्तर देनी है? बिल्कुल उत्तर देना। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो तो ये नेगेटिव प्रश्न पैदा नहीं होंगे। नकारात्मक जो है भाव तब ही पैदा होते हैं जबकि हम देवान में होते हैं, या तो पांच तत्वों से हम प्रभावित हैं या तो माया से प्रभावित हैं या तो दोनों से प्रभावित हैं, तो हमारे अंदर नया नकारात्मक संस्कार पैदा होते हैं, भाव पैदा होते हैं। अगर महात्मिक स्थिति में रहें तो नकारात्मक संस्कार पैदा ही नहीं होंगे। वहाँ मतलब विदेश में लोगों से बातें करते समय, ज्ञान समझाते समय, तो वो ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं। भगवान आते, भगवान आते हैं और ऐसा क्यों कहते कि हम भगवान आते हैं? तो भगवान बिंदी है या देह है? क्या है? और जिन बच्चों को देखता है उनको बिंदी रूप में देखता है कि देह रूप में देखता है? बिंदी के रूप में। तो जिन बच्चों को बिंदी रूप में देखता है वो भी अपने को बिंदी बनाए ना, वो देवान में क्यों बैठे हुए हैं? देवान में रह करके प्रश्न क्यों करते हैं? ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन उनको आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। ये भी तो ज्ञान है। हाँ जी, ये तो पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी ही पक्की नहीं होगी तो सारा ज्ञान चौपट हो जाता है। ये ज्ञान की ही लिस्ट है, पहली सीढ़ी है अपने को आत्मा समझो। ये प्रश्न बार बार उठते हैं, बार बार उठते हैं तो देवान आता है तो उठते हैं। कोई भी प्रश्न प्रश्नात्मक वातावरण बनता है तो देवान के कारण ही बनता है। आत्मिक स्थिति में अगर शुरुआत से ही स्थित हुए पड़े हों, जब से कोर्स लेना शुरू किया है, तो प्रश्न ही पैदा नहीं होंगे। औरों से प्रभावित होते रहते हैं तो देवान आ जाता है। उठे करने की बात नहीं है। हाँ, क्या बात है? वो पर्सनल प्रश्न के रूप में था इसलिए। पर्सनल प्रश्न तो क्या है? तो प्रश्न है, आप जैसी आत्माओं का ग्रुप और नहीं होगा? होगा ना, तो उनके अंदर पैदा होते रहेंगे, उनका समाधान नहीं करोगे? वो जो शुरुआत में हमने सुना था कि भाई जो संस्कृत की गीता है उसकी भी व्याख्या बाबा ने करवाई थी और मम्मा से लिखवाया था वो सारा किसी डायरी में, तो क्या वो शुरुआत में लिखवाया था? ये किसने कहा? 76 के बाद माने एडवांस पार्टी में। हाँ जी। हाँ। तो वो क्या सबके सामने कभी आएगा? वो
क्यों नहीं आएगा? जब दूसरे धर्म वाले, दूसरे मत मतांतर वाले अपनी गीता उन्हीं श्लोकों का अर्थ बता सकते हैं, तो जो एडवांस ज्ञान सच्चा है उस सच्चे ज्ञान के अनुसार उन गीता के श्लोकों का अर्थ नहीं किया जा सकता। मतलब अभी फिर नए सिरे से बाबा उसकी व्याख्या करेंगे, या जो उस समय परिपक्व स्टेज में जब ज्ञान पहुंचेगा तो उसकी व्याख्या भी मिलेगी। लेकिन वो जो लिखी जा चुकी है, गीता के जो श्लोक लिखे गए हैं वो तमो प्रधान दुनिया में लिखे गए हैं या आदि में लिखे गए थे? आदि में शास्त्र भी सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान। सतो प्रधान ही है, सतो प्रधान श्लोकों में कुछ तो एक बढ़ा दिया हो घटा दिया हो बात दूसरी है, बाकी सारी गीता तो वही है जो सात्विक स्टेज में पहले लिखी गई थी। तो ज्ञान भी सात्विक स्टेज में आना चाहिए ना। अभी रिफाइनरी चल रही है, लेकिन वो जो लिखित रूप में एडवांस पार्टी की शुरुआत में जो व्याख्या दी गई थी, तो वो क्या पीबी केस को मिल सकती है? उन्होंने जो वहाँ दबा के रखी है कराची में, उसकी तफ्तीश की जाए, उसका शोध कार्य किया जाए। नहीं उसकी नहीं, अभी 76 के बाद जो बाबा ने मतलब रिसर्च करके जो गीता की व्याख्या की है और जो लिखित रूप में शायद उपलब्ध है, तो वो मिल सकती है क्या? टाइम आएगा तो मिलेगी, अभी छपी नहीं है। अभी नहीं, तो ऐसा अगर छप जाए तो सभी को पढ़ने को मिल जाए वो भी? टाइम आएगा तो मिलेगी, तब तक हर चीज ड्रामा में नूंद है। उसके एडिटर बनने के लिए तो अभी से लोग तैयार, हमें दे दो तो हम एडिटर बन जाए, एक अधिकार हमारा बन जाए। हम तो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं उसकी, उसमें क्या बातें उसमें लिखी गई, किस तरह से व्याख्या की गई है। पब्लिश होगी तो एक साथ ही पब्लिश होगी ना।